फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरे पास काफी सारे एलईडी बल्ब है जो कि सारे के सारे खराब हो चुके हैं और इनको मैंने फेंका नहीं है, इनको मैं ठीक करके दिखाऊंगा और ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। 100-110 रुपए का बल्ब आता है ये, तो हम इस 100-110 रुपए की बचत करेंगे, इनको फेंकेंगे नहीं। इसके लिए हमें हमारे घर पर दवाइयां अक्सर रखी रहती है, जैसे कि सिर दर्द की, खांसी जुकाम की, इस तरह की दवाइयां हमारे घर पर होती है, तो हम उन्हीं दवाइयों की मदद से इनको ठीक करेंगे। उसके लिए करना क्या है, दवाई का पत्ता आपको इस वाला लेना है, इस तरह का जो फोल्ड हो जाए, इस तरह से, हार्ड वाला नहीं लेना है। हम इसकी सहायता से खराब एलईडी बल्ब को भी ठीक कर सकते हैं। दवाई देके मेरे पास एक ये एलईडी बल्ब है जो कि खराब हो चुका है, इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। पहले मेरे पास ये होल्डर है बिजली का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको एक बार इसमें लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। तो इसको हमें करना क्या है, इसको निकाल लेते एक बार और इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और फिर से हम इस पे लगाते हैं एक बार और इसको चेक करेंगे हम इसमें कौन सी एलईडी बल्ब खराब है, उसको हम फिर रिपेयर करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो हमें करना क्या है, इस तरह से एक चिमटी ले लेनी है जिसपे टेपिंग लगी हो, या आप कोई वायर भी ले सकते हैं दोनों तरफ से छील के, और फिर हमें फ्रेंड्स फिर हमें इस तरह से एक एक बल्ब को चेक करके देखना, पहले जोन सी एलईडी हमारी खराब होगी वो जैसे ही हम चिमटी को लगाएंगे तो हमारी ये सारी एलईडी जल जाएगी। हमें इस तरह से एक एक एलईडी को चेक कर लेना पहले अच्छे से, इस तरह से हमें पहले चेक कर लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एलईडी खराब है, इस पे मैं जैसे ही लगाऊंगा तो हमारी लाइट वर्क करेगी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है, इसको यहां से निकाल लेना पहले। तो मैं इसको हम इस पे पहले एक बार निशान लगा लेंगे, हमें करना क्या है मार्कर से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर फ्रेंड्स इससे निकाल के हमें इसको ऊपर से हटा लेना है इस लाइट को। फ्रेंड्स मैं इस लाइट को ऊपर से थोड़ा सा हटा लेता हूं, इस तरह से हम इस लाइट को हटा लेंगे। हटा के फिर चाकू की सहायता से हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लेना है। तो ये हमने इसको हटा लिया इस तरह से फ्रेंड्स। इसके बाद हमें ये मेडिसिन वाला पत्ता ले लेना है और इसमें से हमें एक छोटा सा टुकड़ा कट करना है। इसमें मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है और अब और हमें अब एक टेप ले लेनी है। मेरे पास टेप है ये, आप कोई भी टेप का यूज कर सकते हैं। इसका भी एक छोटा टुकड़ा कट कर लेते हैं और हमें करना क्या है, इस टुकड़े को जो हमने काटा था दवाई मेडिसिन वाले से, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से चिपका लेना है, इस तरह से हमें चिपका लेना है। और जो हमने ये एलईडी बल्ब को यहाँ से छीला था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से लगा लेना है, इसके दोनों के ऊपर हमें इस तरह से चिपका लेना है इसको अच्छे से। फ्रेंड्स इस तरह से हमें इस मेडिसिन वाले पत्ते को छोटा टुकड़ा काट के टेप की सहायता से इस खराब एलईडी बल्ब पे इस तरह से चिपका लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको चिपका लिया है और अब हम इसे फिर से एक बार चेक करेंगे ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं इसको फिर से एक बार होल्डर में लगा के दिखाता हूँ आपको और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको फिर से निकाल दिया है और एक बार फिर मैं आपको इसी लाइट को चेक करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और तो ये 101% काम कर रहा है फ्रेंड्स। इस आइडिया के साथ आप 101% अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब को एक दवाई के पत्ते के जरिए ठीक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से ढक्कन लगा लेता हूं और अब फिर से एक बार जला के देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है। और इस तरह से आप एक मेडिसिन पत्ते की सहायता से किसी भी खराब एलईडी बल्ब को बहुत ही आसान तरीके से घर पर ठीक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।